सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हम लोग उतर चुके थे पोचिंग की में और यहाँ पर बहुत सारी टीमें आ गई थी, तो हम लोग उतर गए ये येलो वाले हाउस में और यहाँ पर मुझे मिल गई M4 और फिर मैंने एक पे रश कर दिया। और फिर देखो अभी इसको मारने के बाद जो मिडल एरिया है वो खाली हो गया था, लेकिन बंदे इतने ही नहीं थे, बंदे और थे। आप मुझे यहाँ पर ही वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं जब यहाँ से जाऊँगा तब मेरे कितने किल हो जाएंगे। सो जैसे ही मैं इस रूम में जाता हूँ तो मेरे को सामने वाले बंदे ने स्पॉट कर लिया था, इसलिए मैं उससे थोड़ा सा दूर भाग रहा था। और फिर बाद में मुझे AKM मिल जाती है जो कि शॉर्ट रेंज में बहुत ही अच्छी गन है, वही सोच के मैंने उस पर पुश कर दिया, लेकिन मेरा जो टीममेट है उसने उसको मार दिया और उसको पिस्टल से ख़त्म भी कर दिया। अभी जैसे ही मैं उसकी क्रेट लूटता हूँ तभी मुझे 3x मिल जाता है, और 3x विथ M4 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये मेरा, और मैं इससे बहुत ही तबाही मचाने वाला हूँ। अब बस वीडियो देखिए, और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है सो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अभी जैसे ही मैं इस घर में आ गया वैसे ही मेरे को एक बंदा स्पॉट हो गया, तो मैं मेरे टीममेट का किल चुराने वाला था इसलिए मैं यहाँ पर उससे जल्दी जल्दी कर रहा था, लेकिन मेरे सामने से खिड़की से बंदा गया और फिर देखिए मैंने इसको मार भी दिया। अभी ये जैसे ही ख़त्म हो गया तो मेरे को लगा क्या पोचिंग ख़त्म हो गई, ये तो बॉट था लेकिन मेरे को लगा क्या पोचिंग ख़त्म हो गई थी क्योंकि उतरते वक्त मेरे को एक ही पैराशूट दिखा था, लेकिन नहीं, फायर आ गया एक तरफ से और मैंने मेरे टीममेट को बोला चला जा रश करते हैं। मेरे सामने वाले घर में बंदा था जो कि मेरे टीममेट ने पावर से पता कर लिया था, फिर मैं थोड़ा सा क्लोज आ गया वो बंदे को मारने के लिए। सो मैंने एक पहले बार पिन खींचा, मेरे को शायद से लगा वो बंदा उतरेगा लेकिन नहीं उतरा, फिर मैंने सेकेंड बार नेट डाल ही दिया और फिर मैंने थोड़ा सा उसको पीछे ढकेला और फिर उसके साथ बूम हो गया। इसको पूरा ख़त्म करने के बाद मैं उसको लूट रहा था और जैसे ही लूटते मुझे पीछे से फुटप्रिंट आ रहे थे, सो मैंने उधर देखा तो मेरे को एक बॉट दिखा, मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा था इसलिए मैं उतर गया मेरे टीममेट से पहले और इसको मार दिया। इसको मार दी हम लोग वो कार 98 से जो बंदा मार रहा था उस पर हम लोग रश कर देते हैं। मेरे को उस बंदे के फुटप्रिंट आ गए थे लेकिन मेरे टीममेट ने उसको मार दिया डैंड। उसको मारने के बाद यहाँ पर एक बॉट दिखता है, उसको मारने के बाद पूरी की पूरी पोचिंग की यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। जैसे ही पोचिंग की ख़त्म हो गई थी तो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे इमोट दिखा के, और इमोट करते करते सामने से एक गाड़ी आ गई और गाड़ी को देख के मैंने इमोट विमोट छोड़ के उस बंदे को मार दिया। इस बंदे को मारने के बाद उसका टीममेट भी रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई, और मेरे M4 में भी सिर्फ RT एमओ थे इसलिए मैंने लूटना प्रेफर किया। मेरे को लगा था क्या वो बंदा मारेगा लेकिन वो नहीं मारा। अभी वो बंदा फ्लैंक करके उस साइड में चला गया था, वो फायर दे रहा था M4 की, वही सुन के मैं यहाँ पर TPP ले रहा था लेकिन वो बंदा नहीं दिखा। सो हम लोग ने भी प्लान किया कि हम लोग भी फ्लैंक करेंगे, सो हम लोग फ्लैंक करके यहाँ पर आ चुके थे। मेरे को लगा क्या वो खिड़की में बंदा है, लेकिन ये खिड़की में बंदा था जिसको कि मेरा एक हेड भी लग गया M4 का। और ये सीन देखो और जस्ट सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मतलब क्या एग्जैक्ट नेट था ये। अभी मुझे लगा क्या वो खिड़की में भी बंदा है लेकिन वो नहीं था, ये बॉट मार रहा था मुझे कब से, लेकिन ये मेरे टीममेट को किल चाहिए था तो मैं उसे वो दान कर देता हूँ और ये बॉट के साथ पोचिंग की हो जाती है एट ख़त्म। और पोचिंग की ख़त्म होने के बाद मेरे थे 7 किल और मेरे टीममेट के थे 4 किल, और जैसे ही पोचिंग की ख़त्म होने के बाद तो पोचिंग के मेरे के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए हम लोग गाड़ी उठा के चले गए। और जैसे ही मैं गाड़ी से जा रहा था वैसे ही मुझे फायर आया, मुझे लगा क्या वो ऊपर के स्क्वाड हाउस से आया है इसलिए मैं वहाँ पर गया, लेकिन नहीं, वो नीचे के स्क्वाड हाउस से आया था। अभी ये जो एरिया ना यहाँ पर मोस्टली कैंपर्स लोग होते हैं जो कि ट्रिपल स्टोरी में कैंप करते हैं ग्लिच बीच करके, और यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइविंग मेरी ख़राब है लेकिन रियल लाइफ में मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद PP Bison का फायर आ जाता है, मैं यहाँ पे रुकने वाला था लेकिन मैं बोला नहीं, ये बहुत ही ओपन जगह और PP Bison में थोड़े से ज़्यादा एमओ होते हैं, सो उसके पास एडवांटेज है दोनों को एक ही इसमें वाइप करने का। सो मैं यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर मेरे इसमें 4x लग गया इसलिए मैंने फायर नहीं किया क्योंकि 4x का थोड़ा सा रिकॉइल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने 3x लिया। और वो बंदे को जैसे ही पता चला कि हम लोग दो जन हैं वो बाइक लेके सीधा चला गया। मैंने भी उसका टायर पंचर करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, मेरे को लगा क्या वो उसका टीममेट है
वो जो बंदा है पीपी बाइजन वाला वो अभी भी उधर ही है, लेकिन ये जो भागा है हम इसे मार सकते हैं क्या नहीं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर हम लोग भी उसका पीछा करने के लिए जाते हैं, पहले ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर बंदा है तो नहीं ना, और फिर बाद में हम लोग उसका पीछा करने निकल जाते हैं। सो हम लोग जोन में जा रहे थे वैसे ही हमें सामने ड्रॉप दिखा, सो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा अभी जा ही रहे तो ड्रॉप लूट के ही जाते हैं। तो लूटे लूटे पीछे से फायर आया तो भी हम लोग ड्रॉप लूट रहे हैं, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया इसको तो मार के ही जाएंगे। और वो बंदे जैसे ही दिखते हैं मैंने उनके व्हीकल का टायर ही फोड़ दिया, क्योंकि जोन आ रहा था, हमें भी जोन में जाना था, हमारी गाड़ी भी रेडी थी लेकिन हमने उनकी गाड़ी पंचर कर दी क्योंकि उनको जोन में आने ना मिले। अभी इसके बाद उन लोगों ने स्मोक भी किया लेकिन उनको पता नहीं था, या पता था शायद से, उनके जो टायर है वो हम लोगों ने पंचर कर दिए। अभी यहाँ पर मैंने उसको मारने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, फिर मैंने उन लोग पे फ्लैंक कर दिया, और जो मेरा टीममेट है उसने एक को नॉकआउट कर दिया M24 से, तो एक ही बंदा बाकी था और मैंने सीधा रश कर दिया। अभी वो बंदा मुझे पता था कहाँ पे हीलिंग कर रहा रहेगा तो मैंने जाके उसको सीधा धप्पा कर दिया। अगर ये भी आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तो लाइक कर दीजिए यार। और फिर इसके बाद हम लोग गाड़ी पकड़ के सीधा जोन में भाग रहे थे क्योंकि जोन बहुत तेज़ी से कट रहा था। जोन में आने के बाद ये सामने के स्क्वाड हाउस से फायरिंग हो रही थी लेकिन यहाँ से बंदे जो है वो निकल चुके थे और यहाँ से एक प्रॉपर एंगल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं रीच पे गया। और वहाँ से मैंने बहुत सारा डैमेज दिया। अभी डैमेज देने के बाद वो लोग हीलिंग करने के लिए कहाँ पे तो रुके ही हो गए। इसी प्लानिंग से मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने टीममेट को बोला चला जा गाड़ी में, उन लोग को मार के ही जाएंगे। वो गाड़ी भी बहुत दूर चली गई थी इसलिए हम लोगों ने उनका पीछा छोड़ के यहाँ पर आ गए। यहाँ पर दो टीम आपस में भिड़ रही थी और हम लोग थर्ड पार्टी करने आ गए। अभी ये देखो फ्री फंड का गेम, इसका एक बंदा शायद से वो लोगों ने मार दिया होगा और दूसरे बंदे को मैंने। सो एक टीम यहाँ पर ख़त्म हो गई थी और बची थी सिर्फ एक ही टीम। उन लोगों ने अपनी पावर यूज़ करके मुझे स्पॉट कर लिया था इसलिए मैं उन लोगों के जो रेंज से दूर जा रहा था, और फिर जो मेरा टीममेट था उसने भी उन दोनों को स्पॉट किया। अभी मैं एक एंगल देख रहा था इन लोगों को मारने का लेकिन वो एंगल नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इस साइड से फ्लैंक किया और मेरे दोस्त ने उस साइड से। अभी इन लोगों ने भी स्कैनर डाला लेकिन मैं स्कैन नहीं हुआ, और फिर देखो इन लोगों को कैसे फैलते हैं। एक को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, दूसरा मेरे सीधा सामने ही आ जाता है। ये लोग बहुत ही डैमेज थे इसलिए इजीली इन लोग को वाइप कर दिया, और बस 8 ही बंदे बाकी थे। आपको क्या लगता है चिकन आएगा कमेंट में ज़रूर बताना। इन लोग को लूट के हम लोग जाते हैं जोन के अंदर, जोन के मिड सेक्शन में, वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फाइट होती है। सो हम लोग गाड़ी उठा के सीधा उधर ही जाते हैं। अभी हम लोग चिकन के बहुत ही ज़्यादा करीब थे शायद से, इसलिए सामने ड्रॉप था तो हम बोले ग्रोज़ा बीज़ा मिल जाएगी इसलिए हम लोग चलते, चिकन मिलना इजी हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप पे जैसे ही मैं पहुँचा वैसे ही फायर होने लग गया इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए, और यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट हुआ। जो कि ट्रिपल स्टोरी में भागा और मेरे टीममेट के पास M24 थी जिसके साथ बड़ा ही स्कैम होने वाला है, आप बस वीडियो देखते रहिए। अभी मेरे पास सिर्फ 3x था, उससे मैं क्या ही मारूंगा इसलिए मैं फ्लैंक कर गया। सो मैं फ्लैंक करके रास्ते के ये साइड में आ गया और यहाँ पर आके मैं सो गया सीधा, क्योंकि 6 बंदे बाकी थे उसमें से 2 ट्रिपल स्टोरी के यहाँ पर फाइट कर रहे थे, वो और मेरा जो दोस्त है वो AWM से फाइट कर रहा था, उन लोग के पास M24 थी शायद से। और यहाँ पर मुझे शायद से लगा कि और 2 बंदे जो है वो यहाँ पर सोए हुए हैं इसलिए मैं भी सो गया, और अगले 3 सेकंड में मेरा टीममेट मरने वाला है जो कि 1, 2 और 3, और उसको मार दी दूसरे गोली में वो फिनिश भी हो जाता है। मेरा टीममेट मरने के बाद मैं अकेला ही बचता हूँ, मेरे सामने होते 4 बंदे। क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें चिकन मिलने वाला है?
अभी यहाँ पर सेकंड लास्ट जोन चालू हो गया था और वो बंदे मिनी से फाइट कर रहे थे वहाँ पर, मतलब उन लोग को जोन में आना है तो वो लोग पहले से ही डैमेज हो जाएंगे क्योंकि जोन काटता है। तो मेरे को कुछ भी नहीं करने का है, बस थोड़े से बुलेट चिपका देने का है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, आप सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन लाइक ज़रूर करना। अभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है लेकिन वो लोग मार देते हैं, और अभी वो पीपी बाइजन वाला बंदा यहाँ पर आता है जो कि वो पोचिंग के में मिला था हमें। सो वो अभी यहाँ पर होता है उसके टीममेट के साथ और वो लोग जोन से भागते भागते आ रहे होते हैं जोन में, और तभी उनको पेल दिया जाता है और ये चिकन डिनर अपना होता है। एक को मैंने नॉक किया था और एक को हेड लगा था, बस अभी उसको चार पांच बुलेट चिपकाना है बॉडी पे और वो मैं करता भी हूँ। और इसी तरीके से हमें मिल जाता है चिकन डिनर विथ 13 किल्स और मेरे फ्रेंड के थे कुछ 5 किल। सो यही था गेम प्ले, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।